हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलराम भगवान की पतित पावन गोनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निशिंहदेव भगवान की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की सावित गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञान विरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दिशुताज श्री चैतन्य मनाविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरा श्रीजुता पदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सपदुतं परिजनाचैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगन ललिता
श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जाए। जन्माष्टमी जन्म अष्टमी, भगवान का जन्म कब हुआ था? अष्टमी तिथि में, इसीलिए अष्टमी तिथि विख्यात हो गया है। ये हमारे लिए एक आनंद का खबर है जन्माष्टमी। असुर के लिए भी आनंद का खबर है, क्यों पता है? असुर को ये शब्द बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी, क्योंकि उनको देखो तुम्हारे भगवान का जन्म होता है, इसके लिए भगवान नहीं है, जिसके जो कैसे भगवान आ सकते। जन्माष्टमी जब किसने जन्म लिया है तो भगवान कैसे जन्म लेते हैं, इसीलिए तुम्हारे कृष्ण भगवान नहीं है। उनको भी ये बात बहुत अच्छा लगता है, उनको भी मानना चाहिए बात। तो जन्माष्टमी बोले कि हम कृष्ण कथा, कृष्ण कथा क्यों जरूरत है? क्योंकि दुनिया के सारे बीमारी का एक ही मात्र दवाई है, कौन सा? भगवान के कर कथा। जितना सारे बीमारी है एक दवाई है, कितना बढ़िया बात। ये दर्जा बंद कर दो, इसका कोई डॉक्टर है? जितना सारे बीमारी है एक ही दवाई, सब कौन सा है? भगवान की कथा। सारी दवाई बीमारी का एक दवाई है, क्या पावरफुल दवाई दिया है। कृष्ण कथा ये भगवान के बारे दो प्रकार, एक है लीला, भगवान का लीला कीर्तन और नाम कीर्तन, जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यह है नाम का कीर्तन और भगवान का लीला का कीर्तन, ये दोनों हैं सारी बीमारी का महाऔषध। और सबसे बड़ो बीमारी क्या पता है? हृदय में बहुत सारे कामना वासना, सारे कामना वासना भाग जाएगा। जिस तरह मैं पानी पी रहा हूं, पीना नहीं, आप पियेंगे तो अमृत नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, नहीं पियेंगे, अमृत आ रहा है, आप पी लोगे फिर अमृत नहीं पियेंगे। तो इस तरह खबर आने से क्या होगा? अरे इसको पीने का, कितना दिन तो पानी पिया, छोड़ो अमृत आ रहा है। तो इसी तरह भगवान के बारे सुन, इतना अमृत है तो भौतिक जगत का सारे कामना वासना भाग जाता है। भागवत में विख्यात श्लोक है, मेरा साथ साथ बोलिए, निवृत्त तृष्णोई उपगीयमाना भाव औषधात् श्रत्र मन अभिरामात्। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यत बिना पशुघ्नात्। बहुत सरल श्लोक है, एक बार सुनने से आपको इतना अच्छा लगेगा,
भाई इतना दिन क्यों याद नहीं किया? निवृत्त शब्द अर्थ क्या? निवृत्त, निवृत्त अर्थ क्या? हाँ, सेवानिवृत्ति हो गया, जानते ना, रिटायरमेंट हो गया। तो ये रिटायरमेंट कहाँ से? तृष्णा। तृष्णा शब्द अर्थ क्या? तृष्णा तो क्या है? हाँ, पानी का प्यास, कुछ भी प्यास को तृष्णा बोलता है। मैं धन कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, वो भी प्यास है। प्यास है प्रयास। तो निवृत्त तृष्णा शब्द अर्थ क्या है? निवृत्त है, निवृत्ति हो जाएगा। तृष्णा हमारे सबसे बड़ा बीमारी क्या है? सबसे बड़ा बीमारी क्या है? कामना वासना, तृष्णा। सारे बीमारी कहाँ से आते हैं? कामना वासना। कामना वासना निवृत्त होना अर्थात क्या है? सारे बीमारी खत्म। निवृत्त तृष्णा अर्थात हृदय का सारे कामना वासना का निवृत्ति। निवृत्त तृष्णा कैसे होता है? उपगियो मानात, गियो गान गाने से। उपगियो मानात अर्थात कीर्तन करने से, गान गाने से। किसका? जिसको भगवान के गाने गाना है। क्यों? श्रोत्र मनोभिरामा, श्रोत्र अर्थात कान, मन, आराम होते हैं। अभिराम, अभिराम अर्थात इतना आनंद होता है। ये भगवान के बारे सुनने से श्रोत्र कान और मन का बहुत आनंद आता है। आज जो क्लास सुन रहे हैं सबको पिज्जा और पास्ता खिलाएंगे और जाने के समय एक भगवत कृष्ण बुक फ्री देंगे। कैसे लग रहा सुनकर? हाँ, कान और मन का कैसे लग रहा है? मुख का भी अच्छा लग रहा है, अभी से सलाइवा गिरना चालू हो गया है। हाँ, कान, मुख, मन सब अभिरामात। तो इस तरह बातें कितना आनंद लगता है, श्रोत्र मनो अभिरामात। तो इस तरह जो बातें है, कौन व्यक्ति है फिर? किसके बारे सुनना चाहिए? किसके बारे सुनना चाहिए? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक कौन है? उत्तम श्लोक, श्लोक तो जानते हैं ना, श्लोक आता श्लोक। उत्तम श्लोक अर्थ क्या? उत्तम श्लोक अर्थ श्रेष्ठ, बढ़िया श्लोक। तो सबसे श्रेष्ठ श्लोक किसके लिए होता है? भगवान के लिए। मैं आपको बोल सकते हैं, आप तो हमारे देश का मालिक है, बोल सकते आपको? लेकिन कृष्ण को बोल सकते हैं। आपको मैं घर में जाऊंगा, आप बोलेंगे महाराज आप तो हमारे घर का मालिक है, बोलेंगे? कभी नहीं बोलेगा। लेकिन कृष्ण को क्या बोलेंगे? कृष्ण आप तो हमारे घर का मालिक है, कि कोई लेके जाएगा नहीं। तो भगवान के लिए कोई भी महिमा है, ये भगवान सारे दुनिया आप बने हैं। तो भगवान के लिए जो महिमा है उनमें से श्रेष्ठ श्लोक दुनिया में कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान का नाम उत्तम श्लोक। तो ये उत्तम श्लोक गुण अनुवाद, गुण अनुवाद अर्थात गुण कीर्तन करना। तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, गुण अनुवाद। उत्तम श्लोक गुण अनुवाद गुण कीर्तन से कौन विरज जत पहले ना निवृत्त तृष्णा उपगीय माना सारे सारे निवृत्त तृष्णा, सारे तृष्णा की हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाए। निपुर्गीय माना कीर्तन करने से उतना ही केवल नहीं, सच क्या होता है? श्रोत और मन का अविराम होता है। किसके बारे सुनने से? उत्तम श्लोक गुणानुवाद। तो जब इस तरह खबर आपको आज मिला है, आप मान लीजिए आज सुबह सुबह अनाउंस किया है उज्जैन में, हाँ, घंटा घर में जो आधार कार्ड लेके जाएगा 1 किलो सोना और 1 करोड़ रुपया देगा। कोई नहीं जाएगा तो आदमी क्या बोलेगा उनको? सुनने के बाद नहीं जाएगा क्या है? ये खबर सुनने के बाद कोई नहीं जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पागल केवल बोलेगा और ज़्यादा कुछ होगा ही बोलेगा। तो
ये भगवान के बारे सुने से अच्छा 1 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना मिले जाए सारे समस्या खत्म हो जाएगा क्या? अभी यदि बोलेगा 1 करोड़ सोना और 1 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन जो जाएगा उसका कोरोना वायरस अटैक करेगा, 7 दिन बाद मर जाएगा, कौन जाएगा लेने के लिए? कोई नहीं जाएगा। तो लेकिन यहाँ भगवान के और सुनने से सारे बीमारी खत्म है, निवृत्त पूरा बीमारी खत्म है। तो को तो ये इतना अच्छा खबर मिलने के बाद पुमान विरज जेतो, कौन पुमान अर्थात कौन व्यक्ति नहीं कर सुनेगा बात बिना पशुज्ञात? एक व्यक्ति वो व्यक्ति सरकार कौन है? पशुघाती सरकार। पशुघाती अर्थात क्या है? पशुघाती शब्द अर्थ क्या है? पशुघाती अर्थ क्या है? जो पशु को हत्या करते हैं। और एक अर्थ है, और एक अर्थ आत्महत्या। क्यों? हाँ क्यों? खुद ने एक पशु है, खुद को मार रहा है इसीलिए पशु खाती है। वो जो ये काम नहीं करो पशु तो है ना, तीसरे उसको खुद को मार रहा है तो इसीलिए पशु खाती है। वो खुद को मार रहा है इसीलिए पशु खाती है। तो दोनों अर्थ होते हैं। ये श्लोक कैसे लग रहा है? कितना गलती किया ना आज तक याद किया नहीं, कोई शब्द कठिन लग रहा है? तो अभी मैं एक बार बोलूंगा आपको 3 बार बोलना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, कोई माफ नहीं है, ठीक है? निवृत्त तृष्णई उपगीयमानात्, भव अच्छा मैं भव औषधात बोला नहीं, भव औषधात अच्छा लाइन व्याख्या करनी, भव श्रुत्र मणि अभिर में बता दिया, लेकिन भव औषधात औषध भव औषधात भवरोग का दवाई है। भव क्या है? भवरोग शब्द अर्थ क्या है? भवरोग अर्थात ना क्या है? भव शब्द अर्थ क्या है? ये भव सागर बोलते हैं ना, भव सागर क्यों बोलते हैं? नमक समुद्र क्यों बोलते हैं? खीर समुद्र क्यों बोलते हैं? तो भव सागर क्यों बोलते हैं? भव मिलते हैं, भव क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका नाम भव है। तो जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका नाम है। तो भव औषधा ये बीमारी का दवाई है। ये हरिकथा सुनने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे मुक्त हो। भव औषधात् श्रोत्र मन अभिरामात्, उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, पुमान विरज्यत बिना पशुघ्नात्। किसके याद हो गया है? ओके जोर से नितोष्ण उपगीय मानात भव औषधात् श्रोत्र मनयो विरामात्, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, तुमान विराजेत बिना पशुघ्नात्, निवृत्त तर्षय उपगीयमानात्, भव औषधात् श्रोत्र मनयो विरामात्, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्,
कुमान विराजेत बिना पशुघ्ना। और कोई निवृत्त तर्षय उपगीयमानात् भाव औषधाश्रोत्र मनोयोभिरामात्। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विराजेत बिना पशुघ्नात् निवृत्त तर्षय उपगीयमानात् भव औषधाश्रोत्र मनोयोभिरामात्। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् माताजी बहुत सुंदर, सबको याद हो गया, वेरी गुड। तो श्लोक हाँ भागवत के पहले में है। भागवत पहले मीन्स हाँ दशम स्कंद कृष्ण लीला शुरू करने के पहले ये श्लोक दिया है। क्यों दिया? सुखदेव गोस्वामी बोलना चाहता है कृष्ण कथा सुनना कितना जरूरी है। यहाँ तक भी बता दिया है भगवान के बारे सुनने से जौन वासना खत्म होता है, सारे बीमारी अर्थात सारे कितना शक्तिशाली है। तो इसीलिए हम हाँ आज भगवान के लीला के बारे श्रवण करेंगे। कुछ भगवान के बारे श्रवण मिश्री के तरह, मिश्री किस तरह है? कोई भी आएगा जब खाएंगे वही मीठा लगता है, कोई भी लीला। भगवान आके इतना सुंदर लीला क्यों किया? क्योंकि लीला में भाग लेकर उद्धार होगा और भविष्य में ये लीला श्रवण करके आनंद पाएंगे। कितना सुंदर सुंदर लीला किया है। तो भगवान का ये लीला सुंदर रूप से दशम और एकादश स्कंद वर्णन है और प्रभुपाद दशम स्कंद का सार कृष्ण बुक में लिखा है। ये पुस्तक किसको किसको घर में है नहीं, हाथ उठाइए, किसको घर में है नहीं, किसके घर में नहीं? हाँ, ये सबके घर में होना चाहिए, बहुत शक्तिशाली ग्रंथ है। यहाँ पर कृष्ण लीला संक्षिप्त रूप में वर्णन है। कृष्ण किस तरह जन्म ग्रहण किया, पहले तो वर्णन है कृष्ण क्यों आए। कृष्ण क्यों आए धर्म, कृष्ण क्यों जन्म ग्रहण किया? जब पापी राजाओं का ज्यादा दुनिया बोझिल हो गया, पाप से वजन बढ़ते हैं। सबसे वजन किसका ज्यादा है? किसका वजन ज्यादा है? पाप का वजन ज्यादा है। पाप करने से जिस तरह आप मन दुखी रहेंगे, मंदिर में अगर डांस कर सकते हैं नहीं, हाथ ही उठते नहीं है। तो उसी तरह पाप करने से हृदय कितना हैवी होते हैं, पाप करने से दुनिया का भी बोझ बढ़ जाता है, धरित्री पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी ने भगवान के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा भी भगवान के पास गए। तो भगवान ने उनका प्रार्थना सुनकर बोला ठीक है मैं जाऊंगा। और सारे देव देवी को ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, मैं लीला में भाग लेना। सब
ब्रह्मा शिव आदि सारे देव, कौन नहीं जा रहा है? यदि अभी बोलेंगे हाँ प्रधानमंत्री आके बोल रहा है चलो कौन कौन मेरे साथ अमेरिका जाना चाहता है, कौन कौन नहीं जाएंगे? तो सब जाएंगे। तो भगवान बोले चलो हम थोड़ा घूम के आते हैं पृथ्वी से, सब बोल रहा है। तो भगवान जब अच्छा सारे देव देवी आए, तो ये सुंदर वर्णन किस तरह जन्म ग्रहण की अष्टमी तिथि में, हम जन्म लीला आज चर्चा नहीं करेंगे, तो लास्ट दिन चर्चा करेंगे। आज हम हाँ जन्म लीला के बाद किस तरह पुतना बध हुआ, ये कृष्ण ये पूरा प्रभुपाद ने संक्षिप्त रूप में दी, किस तरह दस दिन उम्र में उन्हें पुतना असुर का वध किया, उसका शकट असुर सक्रे उनको भी वध किया, उसके बाद बाण असुर किरणावत हवा के रूप में था उनको कैसे वध किया, बचपन में माँ का मुँह माँ यशोदा उनके मुख में विश्व रूप को दर्शन किया है, उसके बाद दामोदर लीला भी किया है माँ यशोदा बाद लिया, नलकुबेर मणिग्रीव है ना, अकासुर बकासुर बहुत असुर के मारा। तो हाँ आज हम अकासुर को मारने के बाद ब्रह्मा वो लीला के बाद ब्रह्मा ने कृष्ण का बसरा और ग्वाल बाल को चोरी किया, हम वो कहानी 13 अध्याय से पढ़ेंगे। मेरा पुस्तक लेकर जाओ वो टेबल। तो ये अघासुर नाम सुना आप लोग, अघासुर अर्थ किया है अघ अर्थ किया है बहुत पापी, अघ तो पापी बहुत पापी है। वो पापी असुर किसका रूप लेकर आए थे, एक बहुत बड़े सांप के रूप में, 8 मील था वो सांप के रूप में आया था। तो ये लीला के बाद बच्चा लोग जब अघासुर के पेट में सब जब विवश होते हैं बच्चा लोग क्या करते हैं, कृष्ण, और कृष्ण बोलने से सारे डर खत्म हो जाते हैं। श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलाम की गौर निताय की जगन्नाथ बोले जी सुभद्रा महारानी की नृसिंहदेव भगवान की। भगवान कृष्ण अपने मित्र को अघासुर मुख से निकल कर और उस असुर के बात करके मित्र सहित यमुना के तट पर आए और इस पर सम्मिलित किया। जब अघासुर वध हुआ सारे हर रोज पिकनिक उनके जीवन था, किसी का जीवन तो रोज पिकनिक था, बच्चा गाय बच्चे लेके पिकनिक करना रोज, हम तो साल में एक आध बार करते हैं, किसी का बंदूक लेकर रोज पिकनिक। और वो खेलना किया था, उसका खेलना बहुत से खेलना था, एक खेलना है असुर को मारना वो भी खेला है। तो एक दिन अघासुर को मारने के बाद बच्चा लोग तो लेकिन किसने बोला बहुत हो गया चलो अभी ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, सर पोटली भरा है अभी खाना है, एक अच्छा जगह देखो, सब एक सब अच्छा जगह देख लिया, वहाँ जमुने के तट पर ये बहुत अच्छा जगह है, पेड़ का छाया है, पास में जल है, चलो बसरा तो घास खा रहे हम थोड़ा हमारे खाना खा लेते, सब पत्तल वगैरह उतर कर अच्छा करके और पोटली खोलना चालू किया, और कृष्ण ने बीच में बैठ गया और सब जिसका चंद्रमा के चारों पास तारे रहते हैं उसी तरह सब कृष्ण के बीच में बैठकर आसपास बैठ गया और सब कृष्ण के ऊपर मुख में देख रहा है, सब जिसके माँ में पोटली दिया है खोल के खाना शुरू किया, खा रहे हैं, खाते खाते जो चीज़ अच्छा लगते हैं आधा खा के कृष्ण का मुख में देना चालू किया, कृष्ण ये बहुत अच्छे है तुम खा लो। क्योंकि हमारे पास सबसे प्रिय कौन है, हमारे पास प्रिय कौन है, गाड़ी बारी धन है ना,
लेकिन जब अस्पताल में एडमिशन लेते हैं तो गाड़ी बारी सेल करके दवाई इलाज करना पड़ता। सबसे प्रिय कौन है फिर? सबसे प्रिय कौन है? शरीर। और शरीर से जब आत्मा निकल जाते हैं तब वो शरीर का क्या मूल्य होते हैं? हाँ, तो सबसे प्रिय भी कौन होते हैं? आत्मा। तो सबसे प्रिय आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा और प्रिय है। इसीलिए सबको बस कृष्ण सबको अत्यंत प्रिय है। इसलिए खुद को खिलाने से, खाना से कृष्ण को खिलाने का मजा लगता है। हमारे हालत भी उसी तरह था, हम भी भगवत धाम में था। हमारा हालत इस तरह हुआ है, एक दिन लड्डू खाते खाते लगा, अरे चलो कृष्ण को देते हैं। कृष्ण को देने टाइम, अरे कृष्ण को दे रहा है, कृष्ण खा ले मेरा हालत क्या होगा। जब हम कृष्ण के देने से इस तरह सोच रहा है, कृष्ण खा लेगा मेरा क्या होगा, इससे भावना आएगा तुरंत माया में गिर जाएगा। तो बिन भगवत धाम में सबका, हाँ, ये हमें भौतिक जगत में देख सकते। ये माँ खुद को लिए नहीं सोचते, हमेशा बच्चा के लिए सोचते, खुद तो नहीं खा के बच्चा को खिलाते हैं। यदि ये हो सकते तो भगवान के भक्तों के पास क्यों नहीं हो सकते भगवान किस तरह खिलाना। तो सारे भक्त इस तरह जब खा रहे थे, पिकनिक का मजा उठा रहे थे, और बासर घास खाते खाते थोड़ा दूर चले गए। इधर में ब्रह्मा ने वो खबर सुना है जे कोई एक लड़का जन्म लिया है, सब उसको भगवान भगवान बोलते हैं। कृष्ण वृंदावन में एक लड़का जन्म लिया है, सब उनको भगवान बोलते हैं, और सारे अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। बचपन में वो पुतना को मारा है और घास इस तरह, और क्योंकि चलो आज देखा, आज क्या करते मैं देखने, वो अघासुर बोलते, अरे अशोरी ये क्या है, बच्चा है, इतना बड़ा असुर को मार दिया। तो जब उनको तो आश्चर्य लगा, हाँ हो सकता, लेकिन उनके एक मैं दुनिया का सृष्टा हूँ, भगवान आया मेरा पता ही नहीं है क्या, कैसे भगवान होता, कौन से मेरा तो एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, कैसे होता है भगवान, हाँ तो असली भगवान है क्या, थोड़ा उनका संबंध में संशय है। और जब देखा वो बच्चा लोग खा रहा है, बच्चा लोग खा के झूठन कृष्ण का मुख के खिलाते हैं, तो अब उनमें से नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। भगवान बहुत कुछ कर सकते, मेरा प्रभु नारायण है, वो दूसरा झूठा कैसे, झूठ कैसे खा सकते, उनको झूठा दूसरा खा सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर भी जो काम कर रहा है ये तो साधारण बच्चा का काम नहीं है। सर देखते असल भगवान क्या नहीं देखते है थोड़ा। तो जब उन्होंने बसरा को चोरी करके गुफा के अंदर बंद कर दिया, तो जब बसरा को नहीं देख रहा है, कृष्णा कृष्णा इस तरह चिल्ला रहा है, बसरा नहीं, कृष्ण बोले क्या हो रहा है, यार लिखा है, बोले कृष्ण शब्द चिल्लाते से बच्चे लोग भय तुर, क्योंकि आगे से पढ़ रहा हूँ, जब बालकों ने देखा कि बासुरी उसके पास नहीं है, तो ये उनके सुरक्षा के विषय में भयभीत हो गया और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भय का हंता है, प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, लेकिन भय भी कृष्ण को डरते हैं, इसलिए कृष्ण नाम सुनने से भय चला गया। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चा का भय तुरंत जाता रहा, और अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाहते बच्चा लोग का खाने का मजा नष्ट हो जाए। नहीं नहीं, तुम लोग खाना खाओ, खाना का मजा नष्ट कर मत, मैं देखता हूँ। कृष्ण बहुत ढूंढा, कोई जगह बसरा नहीं, आश्चर्य किया, भाई आज कहाँ गया बसरा, ये बच्चा लोग को क्या बोलेंगे जाके। ढूंढते ढूंढते आया तो बच्चा लोग भी नहीं, ये क्या हो रहा है, बसरा नहीं बच्चा लोग भी नहीं, कृष्ण से क्या हो रहा है, ये क्या है। तो अब कृष्ण तो भगवान है, तब तो उन्हें देखा कि ब्रह्मा ने चोरी किया,
तो कृष्ण सोचने लगा था ब्रह्मा जी चोरी किया है, अभी मैं कौन मुख लेकर वृंदावन गांव में जाऊंगा, उनके पिता माता को कैसे बोलेंगे बच्चा ब्रह्मा चोरी किया, क्या करना है अभी। तो कृष्ण ने खुद को बिस्तर किया, जितना सारे बासरा जितना सारे बंधु सब बिस्तर किया। ये भगवान के लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान परमात्मा रूप में हर परमाणु का अंदर भी रहता है। भगवान के लिए कोई बासरा और ग्वाल बाल रूप में बिस्तर करना क्या कठिन है। लेकिन और आश्चर्य की बात है जो जो कलर का बासरा उस तरह कलर का बासरा, जितना उम्र का उतना ही उम्र, जो जो बच्चा का जो कलर जो चेहरा और जो ड्रेस है वो ड्रेस में बिस्तर लिया है ताकि पिता माता का पता नहीं चले। तो इस तरह वो लोग घर चले गए और इस तरह चलते चलते एक साल बीत गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मा का दिन बहुत लंबे होते हैं। जब ब्रह्मा का दिन लंबा होता है तो ब्रह्मा का घंटा भी लंबा होता है। मान ले ब्रह्मा का दिन 12 घंटा है तो एक घंटा कितना होगा, वो भी लंबा होगा। तो ब्रह्मा का मिनट भी लंबा होगा, ब्रह्मा की सेकंड भी लंबा होता, ब्रह्मा की एक क्षण भी लंबा होगा। ईश्वर ब्रह्मा गया और तुरंत उनको डर लगा, भाई ये मैं कृष्ण का बंधु और ग्वाल बाल चोरी किया और कृष्ण यदि भगवान है तो मेरा हालत क्या होगा, ये बहुत बड़ा गलती किया, डर गया। तो तुरंत यहाँ से एक साल बीत गया और जब आया आके देखा कृष्ण सब गोल बाल और बाल नहीं है, सामने देख क्या देख रहा है, कृष्ण के सामने में क्या देख रहा है, कृष्ण के साथ आसपास सब जो गोल सब चतुर्भुज नारायण है, उनका पिता जो नारायण है वो उन कृष्ण के साथ में जो जितना सारा गोल बाल है सब चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्म सब का कलर है पीला वाला, सॉरी पीला नहीं क्या श्याम वर्ण बादल के तरह है, पीत वर्ण धारण है। इतने केवल नहीं है, सबके पास में शिव ब्रह्मा अलग अलग, यह तक ब्रह्मा ने देखा हर बच्चा विष्णु है और बच्चे को घेर कर बहुत सारे ब्रह्मा और शिव, ये तक ब्रह्मा है, अलग अलग ब्रह्मा शिव देवता उनको प्रार्थना कर रहा है, नृत्य कर रहा है, गान कर रहे हैं, पहाड़ पर्वत सब नृत्य कर रहे हैं। आश्चर्य के क्या हो रहा है, ठीक दिख रहा हूँ क्या यह क्या हो रहा है, मैं तो ब्रह्मा हूँ, इतना सारा ब्रह्मा कहाँ से आया, अरे तुम्हें ये घबराहट हो गया क्या हो रहा है कभी तो इस तरह देखा ही नहीं, इतना सारे किसी को घेर के इतना सारे नारायण है, खराब हो गया क्या हो रहा है। तो कृष्ण ने समझ गया उनको हालत, तो कृष्ण ने उनको माया हटा लिया और देखा हाँ कृष्ण ब्रह्मा ने फिर प्रकृति स्थल, तब देखा ने कृष्ण कृष्ण बाएं हाथ में रोटी लेकर बासरा ढूंढ रहा था, कहाँ बासरा कहाँ ढूंढ रहा था, इधर में क्या हुआ है। और एक मजा का घटना घट गया, ये कहानी जो हुआ है किसी को नहीं पता चला, यह तक बलराम की भी पता नहीं चला इस तरह कहानी हुआ है, क्योंकि उसी दिन बलराम आया नहीं था इसीलिए बलराम को पता नहीं चला ये कहानी हुआ रहा था। तो एक दिन बलराम ने देखा, लगभग एक साल हो गया, एक दिन बलराम ने देखा बसरा को घास खिला रहे हैं और पहाड़ का ऊपर से गाय वगैरह घास खाते खाते हुए बसरा को देखा है। जब पहाड़ के ऊपर गोवर्धन पहाड़ के ऊपर से
गाय जो बासरा को देखा है तो वो पहाड़ का पाथो चुपे सलंग लगाते लगाते आया, और गाय का दो सामान्य पैर बाधा रहता है, पीछे पैर ज़्यादा भाग नहीं पाता है, लेकिन गाय का हुसे नहीं है, मर जाएगा कुछ नहीं है, लेकिन बासरा को देखा है सलंग लगाते लगाते आया। बलराम आश्चर्य किया है, इतना बच्चा के प्रति प्रेम है क्या, इतना भाग के आ रहा है, पैर बाधा है और थानों से इतना दूध निकल रहा है, गिर रहा है रास्ता में, और बच्चा लोग को अगर चाट रहा है, इस तरह प्रेम पहले बलराम को भी देखा ही नहीं। बलराम आश्चर्य किया है, ये क्या, वो गाय के और बासरा को प्रेम देख आश्चर्य चले। और भी यार चीज आश्चर्य हो गया है, एक साल में ये बासरा बड़ हो गया है और दूसरा बच्चा दिया है वो गाय है, वो बासरा को अलग रखते हैं, ये बच्चा वो बच्चा दूध ही गल पीते हैं, ये बच्चा बड़ हो गया, इसको लेके कृष्ण बलराम चारा खिलाने के लिए, इसको गाय का दूध जरूरत नहीं है, अभी गाय का दूध कौन पिएगा, जो नया बच्चा उनको लिए गाय किसको दूध देंगे, वो बच्चा को, इसको तो घास जरूरत है, घास जरूरत है ना, गाय को जरूरत है इसको दूध पिलाना, ना बच्चा को है माँ को दूध पीना है। लेकिन आश्चर्य की बात है, वो गाय वो बच्चा को नहीं है, ये बड़ो बच्चा को दूध पिला रहा है, और ये बच्चा भी पी रहे हैं, ये तो बलराम तो आश्चर्य हो गया। और उधर में जो गाय को जो रखवाली कर रहे थे, और वो लोग तो बहुत नाराज हो गया, भाई आज गाय को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लाठी लेके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या है ये लोग, इतना दिन से गाय पाल रहे हैं हम लोग, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बहुत नाराज होकर क्रोध होकर भागते भागते आया। भागते भागते आके उनके बच्चा लोग को देखा सामने, बच्चा लोग को देखे उतना इतना प्रेम हो गया है, वो बात वो क्रोध भूल गया, वो बात बातें भूल गया है, बच्चा को इतना प्रेम करने लगा, वो इस तरफ आदमी देखा नहीं, प्रेम देखा नहीं बलराम पहले। बलराम को और एक आश्चर्य लगा है, मैं हम इतना दिन से जानते हैं ये ब्रजभूमि में सब गोपी गोपलोक है, कृष्ण बलराम को बच्चा से ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि खुद को बच्चा से ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण को, लेकिन अभी उल्टा है, उल्टे की कृष्ण को जिस तरह प्रेम करता है बच्चा को उतना ही प्रेम करते हैं, एक प्रकार लग रहा है कृष्ण को भी प्रेम हट गया है। ये बातें भी बलराम का आश्चर्य लगे, ये क्या हो रहा है, ब्रजवासी की हालत ये क्या है। तो बलराम तो स्वयं भगवान है, लेकिन उन्हें आश्चर्य लगे, तुमने चोर नहीं, ये नहीं है, ये ग्वाल बाल नहीं है, ये बासरा बासरा नहीं, ये कृष्ण स्वयं है, नहीं ये हो ही नहीं सकते। तो कृष्ण को बता, कृष्ण यह बताओ घटना क्या है, ये तो आप है, यह क्या कब से हुआ, यह क्या लीला आपका, मेरा भी पता नहीं है, यह घटना क्या है। तब कृष्ण ने उनको पूरा कहानी बताई, जो वास्तव में ये हुआ था, क्या बोलना मुझे, और ये एक साल के बीच में किया हुआ था, एक साल के बीच में ये पूर्णमासी जो जुगमाया है उनको पता है, वो तो पूर्णमासी है, ये ड्रामा का डायरेक्टर है, किसको कौन रोल प्ले करना है पूर्णमासी सब जानते हैं, क्या करना है, या भी कृष्ण को डायरेक्शन देते हैं, ये करो ये करो, क्योंकि डायरेक्टर सबको डायरेक्ट करेंगे। तो पूर्णमासी ने एक उनका आयोजन में, जुगमाया के आयोजन में सब ग्वाल बालिका का पिता को बताया है, ये साल सबसे शुभ साल है, इस तरह साल पहले कभी आया नहीं, भविष्य में आएगा नहीं, जितना सारे लड़की है सबको ये साल में शादी देना है। तो उसी तरह सबको कृष्ण ग्वाल बाल शादी हुआ था, अर्थात सब गोप बालिका का कृष्ण के साथ ही शादी हुआ था, इसीलिए अग्र लोग नहीं समझते ये बात को, लेकिन ये शास्त्र में वर्णन है, वो साल में कृष्ण कैसे शादी हो गया था,
तो जब ये इधर में जब ब्रह्मा को पता चला हाँ मैं कितना बार गलती किया, अभी अभी क्या करेंगे ब्रह्मा? अभी ब्रह्मा तुरंत उन्होंने गिर गया था, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत अर्थात दंड अर्थात लाठी, लाठी जिस तरह गिर जाता है उस तरह गिर गया। और लाठी नहीं है, सोना का लाठी, क्योंकि ब्रह्मा का चेहरा देखे सोने का तरह है, लग रहा है कि सोना का लाठी गिर गया है। दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने भगवान को दर्शन किया, प्रेम में आवेग इतना हो गया, उठ के खड़ा हो गया, बात नहीं कर रहा, फिर गिर जा रहा है, अभिभूत हो गया। और मैं यह सब ब्रह्मा तुरंत आपने हंस हंस से बहन है लास्ट पैरा, ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतराए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णव में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, डंडा के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान परे प्रतीत हुए। चूंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरे है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान परे हुए प्रतीत। ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमल को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुवाद करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमल को धो डाला। जो जो उन्होंने उन्हें भगवान का अद्भुत कार्यकलाप का स्मरण होता रहा तो वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्हें अपनी आंखें पोछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान विनय तथा ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। अभी जो प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़ करके, वो अगले अध्याय है तो हम कल सुनेंगे क्या प्रार्थना किया है ब्रह्मा जी। वो मधुर प्रार्थना है, हरे कृष्ण। तो ये श्लोक याद है, आर एक बार याद करेंगे, किसकी याद है देखते हैं। निवृत्त तर्षण, देखना जरूरत नहीं है, नहीं देखे हैं। निवृत्त तर्षण उपगीयमानात् भव औषधात् श्रुत्र मन अभिरामात्। क उत्तम श्लोको गुणानुवादात् पुमान विरज्यत बिना पशुग्नात्। किसको हुआ है? ओके प्रकाश। निवृत्त उपगीयमानात् सत्र मनोवीरा बाबा औषधा श्रोत्र मनोवीरा पादात पुमान पुमान विराजेत बिना पशुनाथ। निवृत्त तस्योपगीय भवौषधात् भाव औषधात्त मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्ये तो बिना पशुग्ना। इधर में अपरिचित मत निवृत्त तस्य उपगीयमानात्।
मनो अभिराम भव सदात्सोत्तम कौतम श्लोक गुणानुवाद बिना उमन बीज दे बिना पशुनाथ और कोई निवृत्त दर्शय उपगीय मानात ओ सदाश्रत मनोविरामात गौतम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्जेत बिना पशु निवृत्त तर्शय अर्थ क्या है निवृत्त तृष्णा कैसे उपगीय माना किसका दवाई भव औषधा भव सूर्य क्या होता है श्रोत्र मनो अभिराम कौन सा व्यक्ति है कौ उत्तम श्लोक गुणानुवादात अर्थ क्या है भगवान का महिमा कीर्तन उत्तम श्लोक अर्थात कृष्ण गुण अनुवाद उत्तम श्लोक अर्थात कृष्ण उनका गुण कीर्तन उत्तम श्लोक गुणानुवाद कृष्ण का गुण कीर्तन पुमान विरज्य तो कौन व्यक्ति विरत रहे नहीं करे एक ही व्यक्ति सरकार कौन बिना पशुनाथ पशुघाती सरकार यदि पशुघाती नहीं होना चाहते यदि आत्महत्या नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए एक कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए और किसी को हुआ है मुकुस्तियात ओके निवृत्तता से उपगीय मानात अब औषधाश्रत्र मनोभिरामात कौतम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्जेत बिना पशुना ये श्लोक तो याद हो गया अभी खाता में एक बार लिख के रहना और सबसे अच्छा है काल पर आज किसी को बोलना है इस श्लोक के बारे और कोई भूलेगा नहीं सबसे टेक्निक अच्छा टेक्निक है जितना याद है किसी को बोलना है बोलने से और केवल बोलना नहीं मैं जिस तरह बोला ना उस तरह बोलेंगे आपको बहुत अच्छी याद है आपको अरे शास्त्र में कितना अच्छा लिखा है ये लिखा है निवृत्त तृष्णा सारे हमारे प्यास आशा कांक्षा प्रयास सब खत्म हो जाएगा उपोगियो मनात केवल यदि कीर्तन करेंगे कौन सा बीमारी भव औषध ये भव रोग का दवाई है हाँ और इतने नहीं है सूत्र मन अभिरामात मन और कान का बहुत आनंद देते हैं कौन सा व्यक्ति है जो उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का गुण अनुवाद नहीं करेंगे हाँ पुमान विरज्य तो कौन व्यक्ति है कौन पुरुष है कौन व्यक्ति है विरत रह के काम से एक ही व्यक्ति है बिना पशुनाथ पशुहत्या सरकार जो सुनेगा इस तरह बेकार भाई आप इतना संस्कृत पंडित है क्या संस्कृत पंडित होना जरूरत नहीं है लेकिन हाँ ये किसको लग रहा है कठिन है सरल है तो दो टेक्निक करना है एक है पहले लिख के रखना और है दो एक बार किसी को समझ बोलना है बस आज जीवन में कभी भूलेगा नहीं हरे कृष्ण तभी हम सर कीर्तन करते हैं लीला कीर्तन हो गया अभी नाम कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन ललित विशाखा जीव की कृष्ण बलराम भगवान की पतित पावन गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की भक्ति विघ्न विनाशन नृसिंहदेव भगवान की जन्माष्टमी महोत्सव की स्वामी गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। तो सभी भक्त लोग जो आए हैं उनसे निवेदन है कि ये जो चार सत्रीय सेमिनार है कृष्ण कथा पे ये